साल का हवरिया को रिश्ता नहीं आवे। गलती से को रिश्ता आगे बोले चौधरी साहब तारे चार छोरा बताया जी रिश्ता कर लेगा। चौधरी तो अपनो बाट ही देखा, बोलो जी बिल्कुल कर लिया। बोलो जी छोरा के कर रहे हैं, कर तो लेगा यह बताओ। चौधरी मन में देखिए साला थोड़ी बहुत झूठ बोल दें तो रिश्तों भी बन जाए। बोलो जी छोरा तो चारों डॉक्टर है, डॉक्टर को नाम लिया जाना वो भी राज्य को बड़ो छोरा चारों ही डॉक्टर हैं का। तो बोलो जी बहुत बढ़िया अच्छी बात सुनाई कि चारों छोरा डॉक्टर हैं, लेकिन जी यार बताओ थोड़ी सी उन छोरा की ड्यूटी कठे कठे है यार बताओ। बोलो जी ड्यूटी का तो मन ने भी कौन बेरा। बोलो शाम का वहां से मन तो एक जुड़ो नहीं बुझे, बोलते रहे के बीमारी है जी मेरे कहने का तो वो डॉक्टर ही है। तो मारका ने कहा था देखो आज सारा बड़ा ही बड़ा कलाकार बैठे हैं, एक ही भजन का मौका मिला क्योंकि तीन चार दिन से मन गांव वाला सौण कौन दी चुनाव का सोई मामलो है आड़े भी मांगले वोट है बिल्कुल ये वोट भी तो काम ही आवा ऐसी बात को। तो चुनाव का माहौल था इसलिए भाई संजू सोनी ने 5-10 मिनट का टाइम दिया और हम भी चल के आए थे। दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं इनका। बताते हैं जिस गांव में बड़े बुजुर्ग हो संत महात्मा हो दरस परस मुख मंजन पाना कटत रोग कह वेद पुराना के भले आदमियों के दर्शन करने से संत महात्माओं के दर्शन करने से बड़े बुजुर्गों के दर्शन करने से इंसान के पाप रोग कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तुम्हारा भी किमी न किमी रोग दूर ही होगा आज क्योंकि हमारे गुरु जी साक्षात हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार सुरेश मान मंदोला जी की भी जोरदार तालियां बजाएंगे। इतने बड़े महान गुरु हमारे बीच में हरियाणा रूपी राजस्थान में अपितु नहीं पूरे भारत वर्ष में जिनका डंका बजता है डीजे के नाम से एक कविताई के नाम से तदिल से बार बार धन्यवाद। आइए एक छोटी सी कविता आपके बीच में देखो जी गाना बजाना भी कई प्रकार का हुए। आपने बाबा के भजन सुने, बाबा के चरणों में हमने भी नमन किया, लेकिन 5-4-15-20 एक बूढ़िया बैठे हैं। जब मैं तो एक बूढ़ी सी बात कह दूं पसे जवान जवान और कह देगा कोई बात को, क्योंकि न्यू कह करें कि देसी गाना सुननम भी अच्छा रहे ऐसी बात को और देसी खाना पीना भी अच्छा रहे। हमारे हरियाणा के अंदर सारा काम देसी हुआ करता है लेकिन आजकल जी मिक्स होने लगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बस देसी बात ही मेरे एक ही याद है दूसरा भजन में ना आवा को ना एक ही भजन में सुनाऊंगा। और वो पहले बुढ़ती तर्ज गाया करती बोलो तन डोले मेरा मन डोले ये तर्ज होया करती। आजकल तो देखो जी नई नई तर्ज आ गई, लेकिन आप पुरानी बात में लेके चलना कैसे हो रही ना तने बस में ना यो मने बस में ना या बस में रही ना जुबानी वो बिगड़गी या ऋषियों की संतानी वो ना तने बस में ना मने बस में ना बस में रही ना जुबानी बिगड़गी ऋषियों की बताया कि ना तन बस में ना मन बस में ना बस में रही ये जुबान बिगड़ गई ऋषियों की संतान। भारत देश में जितनी भी ये संतान बताई गई संत महात्मा बताते ऋषि मुनियों की संतान है, लेकिन कवि ने बताया कि बिगड़ गई आजकल कहीं आजकल जी 2.5 साल का छोरे ने भी न्यू बूझ लियो हार पाया कह को चमटो मैं पड़गन को तन के लेना चाहे कह कोई हो माँ बाप का नाम को नहीं बताऊ आजकल न्यू गंगा चाहे कह कोई हो बताओ ये जमाना आ गया आजकल क्यों आ गया। ये गोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेज, गोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेज। संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी से सब करें परहेज, संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी से सब करें परहेज। इंग्लिश मीडियम स्कूल के माँ सब रहे बच्चों को भेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल के माँ सब रहे बच्चों को भेज। और माँ को मम्मी पिता को डैडी पत्नी
पत्नी को बोल रहे मिशे रे माँ को मम्मी पिता को डैडी पत्नी को बोल रहे होए होए माँ को मम्मी पिता को डैडी पत्नी को बोल रहे मिशे वो कभी गुड मॉर्निंग कभी गुड इवनिंग कर गुड नाइट श्रीमान बिगड़गी ऋषियों की संतान हो रहा धन्य बस मेरा धन्य बस मेरा बस मेरे अजूबा बिगड़गी ऋषियों की कितनी अच्छी बात उस कवि ने लिखी थी कि गोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेजी। सौ रुपये श्रीमान जी रणधीर सिंह जी ग्रेवाल इस पार्टी का मान सम्मान कर रहे थे, दिल से बार बार धन्यवाद। और सौ रुपये से हमारे आदरणीय डॉक्टर हनुमत साहब जी ये भी सौ रुपये का मान सम्मान कर रहे हैं, नहीं कहे भाई 500 दूंगा तो नहीं करें जहां चिंता ही मना कर दिया जाओ देखो आठ को नहीं। और बताया उन कवियों की बातें बताया कि कोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेजी, संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी से सब करें परहेजी, इंग्लिश मीडियम स्कूल के माँ सब रहे बच्चों को भेज और माँ को मम्मी पिता को डैडी पत्नी को बोल रहे मिसेज कभी गुड मॉर्निंग तो कभी गुड इवनिंग करें गुड नाइट श्रीमान बिगड़ गए ऋषियों की संतान। आजकल पढ़ाई लिखाई है कि चालकी जी अपने भारत देश की संस्कृति वह धीरे धीरे अलग होती आवे है, पहले जो हमारी मातृभाषा हिंदी थी आजकल उनका उपयोग कम हो रहा है, अंग्रेजी का ज्यादा हो रहा है। क्यों? कभी यहाँ थे दो हीटर भाई धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, कभी यहाँ थे दो हीटर भाई धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। और ये सौ रुपये से हमारे सोनी साहब जी लिखवा से बड़े भाई तय दिल से बार बार धन्यवाद है इनका भी। कभी हाथे तो हीटर भाई धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, आज मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कंडक्टर, आज मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कंडक्टर, कहीं कलेक्टर कहीं वरिष्ठर कहीं ऑडिटर डायरेक्टर, कहीं कलेक्टर कहीं वरिष्ठर कहीं ऑडिटर डायरेक्टर, और कहीं मिनिस्टर स्त्री सीटर न्यूज कलेक्टर डिपार्टर, कहीं मिनिस्टर स्त्री सीटर भाई, कहीं ही सीसी टर्री और ये कई मिसी टर्री 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 ने खा लिए कान बिगड़गी ऋषियों की संतान हो रहा धन्य बस मेरा हो रहा बस मेरा बस मेरे अजूबा बिगड़गी ऋषियों की संतान। देखे बताया कि कभी आते दो इटर धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, आज मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कंडक्टर कहीं कलेक्टर कहीं वरिष्ठ कहीं ऑडिटर डायरेक्टर, ये कहीं मिनिस्टर हिस्ट्री सीटर लूज कलेक्टर डिफॉल्टर, कहीं सिस्टर तो कहीं मिस्टर इन टर टर ने खा लिए कान बिगड़ गई ऋषियों की संतान। भारत देश में दो इटर होया करता क्या, तो धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर ये काका मटर टमाटर भी बाद में चले आए भारत देश में, आज इतना टर होगा जाएंगे कोई हद नहीं, गाना बजाना बदल गया हर चीज बदल गई। मारे गांव में काल परसों एक दस उठन हो जना मैं भी जिमण ने चले गए उड़े डीजे बाजे और डीजे के ऊपर गाना लाग रहा है बोले छण छण बाजे बाजे मेरी तागड़ी और वो पे 80 साल की बुढ़ती नाचे, बोले ये ताई तेरी हाड बजन की टाइम रे जीव की तागड़ी बजन की टाइम रे तेरे, लेकिन गाना बजाना ऐसा हो गया आजकल भली बातों का जमाना को रह नहीं सरताओ, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि दिन प्रतिदिन समाज में जो सुधार वाली बात है वो आजकल कम सुन के राजी रहे। हाँ बढ़ा दो जी कोई बात नहीं,
साउंड की कमी को नहीं है, मेरी कमी, आवाज मेरी कमाओ जी। अच्छा परला चालू करो जी, नहीं कहे, कहने का मतलब पहले जो गाने हुआ करते थे या फिर पहले जो सत्संग हुआ करते, कोई भी भजनी प्रचार किया करता था वो समाज को जगाने के लिए करते थे, पहले जो प्रोग्राम होते थे वो समाज को जगाने के लिए, लेकिन आजकल तो मेरे जैसे कलाकार कार्यक्रम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और इस पैसे के चक्कर में आके न जाने क्या क्या कुछ बोल देते हैं। लेकिन आजकल का माहौल सजनों ऐसा है, और मेरू तो बढ़ जाने कहे बिना कन्यूरे जगह का, बस यही गलती है मेरू। अपना हरियाणा में एक प्रौढ़ शिक्षा चली, बूढ़ा बूढ़ा आदि मैंने पढ़ाने की सरकारी मास्टर की ड्यूटी लागी स्कूल में जा, बूढ़ा बूढ़ा ने बेड़ा कर पढ़ाने चालू कर दियो। अब कोई अधिकारी स्कूल में आ गया, बोला अधिकारी जी बूढ़ा आदि मैंने कहें बेड़ा कर रहा है, बोलो जी बेड़ा के कर रहा है, प्रौढ़ शिक्षा चल रही है और इन्होंने पढ़ा रहा शिक्षित कर रहा। बोला जी के पढ़ाओ होते, बोला जी इन्होंने तो हिंदी को सब्जेक्ट दे रहा, क्यों आजकल तो कैखे कड़े सिखाओ हमें तो। अब अधिकारी घना पढ़े लिखे, बोले काम करो जमानो आगे अंग्रेजी को आवर ने हिंदी तो बंद कर दो और अंग्रेजी चालू कर दो, और गणी भी नहीं तो बापड़ा ने एबीसीडी जरूर सिखाओ थे। बोलो जी ठीक है, और बोलो जी तन 15 दिन को टाइम दूं, मास्टर ने बता के चले गए। बोलो 15 दिन के भीतर भीतर ने एबीसीडी जरूर आनी चाहिए, 16 दिन आके चेक करूंगा मैं। अधिकारी जी डांट मार के चले गए, मास्टर की ड्यूटी बूढ़ा आदमी ने पढ़ाने चालू कर दिया, रोज ने एबीसीडी सिखावे। अब हाँ जी सर कर देंगे जी, हाँ और कर दो जी, कोई बात करें कर देंगे जी, घोड़ा ही आदमी कोई बात कर देंगे, कोई बात करें सही है जी, और कर दो जी कोई बात करें। अभी वह मास्टर रोजना बुढ़ा आदमी ने पढ़ाना चालू कर दिया, अरे एबीसीडी सिखावे 13 दिन होगा बुढ़ा का एक अक्षर समझ में नहीं आवे, कारण कि बताओ कि बुढ़ापा बड़ा खोटा असर होता हो, बुढ़ापे के मायने के आंखें दिखना रह जा, कानू सुनना रह जा, कि मैं दिमाग भी कम काम करे। वो मास्टर रोजना पढ़ा पढ़ा के सीख लिया, बुढ़ा का एक ही समझ में कुनिया। मास्टर ने विचार करे वो अधिकारी अपने ऊपर डांट मार कर बुढ़ा ने कि मैं आयोग ने क्या करो जा। अब कोई माल ताऊ जी की उम्र खाएड़ा मास्टर था को 70-75 साल का, उन्हें देसी फार्मूलो अपनायो पढ़ावण को, हर बढ़ जाने को फार्मूलो भी कहीं आको बोर्ड के ऊपर ए मांडे आर न्यू पढ़ा, बोलो ए मानी अमर सिंह की बू जना बुढ़ा गैल गैल बोले, बी मानी बाबू लाली की बू, सी मानी चंद्रिय की बू, डी मानी दया चंद की बू, न्यू करता करता एम तक पढ़ा दिया, नी मंदरिय की बूतानी पढ़ा दिया। मास्टर मन में विचार कर रहे कि सारी थोड़ी बुजा का अधिकारी छुट्टी कर, गर्मी का टाइम है बुढ़ा की छुट्टी कर दी। 16 रोज जब अधिकारी गाड़ी लेके पूछ गया स्कूल में, बोलो मास्टर जी तारी ड्यूटी दी पढ़ावण की, अन बुढ़ा ने एबीसीडी सिखाई, बोलो जी सारी की सारी सिखा दी, बोलो वेरी गुड। एक ताऊ ने खड़ा कर दिया अधिकारी बोर्ड को प्रेम मांड दिया, बोले ताऊ जी बताओ ये क्या है, बोला जी या तो अमर सिंह की बू है। अधिकारी मन विचार करें बुढ़ा का तो दिमाग खराब, बोलो बैठ जा ताऊ तने कौन बेरा। दूसरा ताऊ ने खड़ा कर दिया बी मांड दिया, शाबाश ताऊ आप बताओ ये क्या है, बोलो जी बापू ला लिए की बू है। दो तीन जन बुझो को चंद्री की बताओ, को दया चंदे की बताओ। अधिकारी मनो विचार करे ना बुढ़ा का तो दिमाग खराब हो रहा, एक ताऊ ने बुझा पा छुट्टी करांगा, कोई गल नहीं गल ना ताऊ बैठा करीबन 95 साल का, बोल ताऊ तू खड़े हो जा और पा तारी छुट्टी है, अंतिम सवाल है मेरा। वो ताऊ ने खड़ा कर दिया, वो ताऊ बापड़ा आलता आलता कई देर में खड़े है, चश्मा लगाया बड़ा बड़ा नंबर की, उन अधिकारी के काम कर डब्लू मांड दी ना बोर्ड पर, डब्लू ताई बापड़ा ने पढ़ाई को पढ़ाए सिर्फ एम तक, और बढ़ जाओ फर्क इतना ही हो है, एम का टांग निचर न हो डब्लू का ऊपर न हो। अब वो बूढ़ा चक्कर में पड़ गया, मन में विचार कर ले भाई या देखेड़ी तो जरूर है पर ये उकचुक कोई हो रही, ये बात हो गया। अधिकारी बोला जी ताऊ जी जल्दी बताओ ये क्या है। अब वो बूढ़ा आदमी की मीटर क्या बापड़ा, बोलो हाथ जोड़ के बोला जी अधिकारी जी घना तो कौन बेरा, ये है तो मंदिरी की भू पर ये ऊपर टांग कौन करियो, मन भी कौन बेरा तो मार ला गाना बजाना का तो ऊपर ने टांग हो जाता, ये हाल हमारे देश का। और नंबर 3 में हमारे समाज की बातें,
उन कवियों ने बताई वो जिनकी कुख से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कुख से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस, भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष, भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष, और समाज को खा रही बुराई पंचायती बैठे खामोश, समाज को खा रही बुराई पंचायती बैठे खामोश, और मोड़ी बांध के चक्कर काटे बहु मिले ना सो सो कोस, मोड़ी बांध के चक्कर काटे बहु मिले ना सो सो कोस, वो मोड़ी बांध के चक्कर काटे बहु मिले ना सो सो कोस, वो रहे मर्द से सिरंडियों का देश बन जाएगा यो हिंदू सितान बिगड़ेगी ऋषियों की संतान, सजनों बता थोड़ा कोई को कम करो जी गुंजे ज्यादा, जिनकी कुख से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस, भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष, समाज को खा रही बुराई ये पंचायती बैठे खामोश, और मोड़ बांध के चक्कर काटे बहु मिले ना सो सो कोस, रहे मर्द शेष रंडवों का देश बन जाएगा हिंदुस्तान, रंडवा को देश क्यों बन जाएगा जी, क्योंकि आजकल है ना छोरा की जनसंख्या बढ़ती आवे और छोरिया की जनसंख्या घटती आवे, ये हाल हमारे हरियाणा राजस्थान का है, क्यों छोरी जाम की को राज्य को ने हमारे झुंझुनू जिलो लागे जी गए सर्वे करवाएगा जना हजार छोरा के 800 छोरी पाएगी, हकीकत बात है जी, अंदाज ते लगा लो 200 छोरा तो गोरखनाथ जी का चेला बनना पड़ेगा, कहें कि बरात लेके बढ़े, क्योंकि छोरी जाम ही कुने आजकल रही कुने के बढ़े, और ये हकीकत बात है श्रोताओं, जय के घर में मान लो कोटा पट्टी कर होना वाला होना है जब हमारा छोरी जाम जा जाने ये अड़ोसन पड़ोसन बुडलती बतलावे, यूं कहेंगे हाय भुगाने की माई का ताली बोड़ी का केटा पट्टी करोगा छोरी जाम जाने वा बुडलती माथा माथ मार के बैठ जाएगी, ये सिरचंदी की माँ के बूझेगी मार तो बाठो या पड़े पे बताओ, छोरी जाम जा जाने कहेंगे बाठो आ पड़े नू कहेंगे तू जामी जद की सोनो बरसी हो, और जे जाम जा छोरा ए मेरा भगवान रात का 12 बजे भी थाली लेके बुढ़िया बुढ़ काम न सका, और पसंद यू करेगी ले वे भगवान एक मां मार तो राम कुमार ये का भगवान मोज कर दी, छह छोरियां पसीर डकाओ ना एक तू तुड़ो दियो है का और ना तू तुड़ो बोले, और आजकल तो पदाड़ी की भी कीमत है ना तू तुड़ा की कोई कीमत कोई चाहे चाहे ट्रक ट्रक भर लो जगान जगह रोड़ता है ना हकीकत बात असर होता हो मार काम, और देखो जी ये बुरो मानने की बात को नहीं आजकल अपना चौधरिया का गणियाठ लाग रही रिश्ता पाने की, छोरा पढ़ लिख के को नौकरी लाग जाए जब तो छोरा का रिश्ता आ जाए आप ही बिना बुलाए नहीं कोई को नहीं पूछे, मारला गांव में एक का सुभाष नाम है वो अपना 50 साल का हो रहा है उनका कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि नौकरी कौन लाग गयो, उनका घर का कह बैंड बजे जो बोलो बाप बोल रहे सुभाष जी ये बैंड कह का बजे हैं, बोलो कह का भला माँ बाप ही उनका बजे हैं, बोलो बोलो कहीं आ बोलो फलाना फौजी अड़े को रिश्तो आ रहे तो उनका कोई बैंड बाजे हैं, अरे बोलो अपना बोलो अपना बाजेंगे शंख लास्ट मोर की म्यू कौन बाजे बोलो, तो जी ये 200 छोरा जो आजकल हंडा सिटी मारता का तो शंख बाजना और उनका कोई धड़ी धोरी नहीं था ना कि, लेकिन आजकल तो एक सुख और हो गया जी ये 50-50 हजार रुपया हम झारखंड उत्तर बिहार पश्चिम बंगाल हूँ ले आने लग गया, अरे उनका सुख देखो रखो इतना रखो नहीं लिया इतने की बेच भी देखो है, ये हमारे समाज का हाल होगा असर होता हुआ आजकल ऐसे ऐसा दिन प्रतिदिन माहौल हमारे देश का हो रहा है, अंतिम लाइन में उस कवि ने बता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, ओ, 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 बड़ा
100 रुपये श्रीमान जी पप्पू बारवासिया जी जागरण पार्टी को दें, तहे दिल से बार बार धन्यवाद है। और देखें वैसे ये गाना बहुत ही सुनने वाला और समझने वाला है। और ये 500 रुपए हमारे संजू भाई के जो पिताश्री हैं सूरत सिंह जी सोनी साहब 500 रुपए का मानसमान इस पार्टी करते तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए 100 रुपए विनोद हलवाई जी डांडमा से तहे दिल से बार बार। और 500 रुपए हमारे आदरणीय परम मित्र भाई सिरसली से भगत जी प्रेम कुमार जी उनका भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और देखे प्रेम कुमार जी के लिए मैं एक बात कहने चाहूंगा, वो मेरे रस के कमल। वैसे देखे ये जो गाना है इनके बोल इनकी भाषा अलग है लेकिन समझने वाला होना चाहिए। बाबा के दरबार में YouTube पे देखो बाबा के दरबार में आज इतनी मानता बाबा की कैसे, ओ मेरे रस के कमर तू है पहली नजर, मेरे रस के कमर तू है पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा, ओ मेरे रस के कमर तू है पहली नजर। मेरे बाबा तेरे दरबार में जो आज क्या बात है, संजू भाई कह रहे हैं भी मैं भी नाचूंगा लुगड़ी ओढ़ के तेरे साथ है को नाच। अच्छा मन ने कह रहे हो कि ठीक ठीक भाई कह के भी पहलड़ी लुगाई ना चेक करती वाह बताओ मुझे पहलड़ी ना चेक करती वह नाच तो हाथ को नहीं क्या करता बताओ बता दूं वो मुखा के टेंशन से मत लो। और कैसे ओ मैं हूं नंबर एक गवैया, मैं हूं नंबर एक गवैया, ओ तेरा